हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, कल अगर आपने मार्केट फॉलो किया है तो आपने एंड ऑफ डे देखा होगा, लगभग लगभग 2:30 बजे के करीब यहाँ पे आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टाटा मोटर्स इस पर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। ये केवल टाटा मोटर्स में ही नहीं हुआ है, लेकिन ये जो करेक्शन है ओवरऑल अगर आप ऑटो सेक्टर देखो, हर एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितने स्टॉक्स है उस पर करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे एक लोगों ने मुझे पिंग किया है, पूछा है कि सर क्या करना है, क्या शेयर्स हम बेच दें तो क्या करना नहीं करना है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई पैनिक का माहौल भी बना हुआ है तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल्स में कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इजीली ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए यू नीड अ डीमैट अकाउंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप एक और ओपन करना चाहते हो, यू कैन वेरी वेल गो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड ओपन इट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर टाटा मोटर्स की हम बात करें तो स्टॉक में अच्छा खासा आपको लास्ट कुछ समय से टर्बुलेंस नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा है, लेकिन स्टॉक ने बहुत रिकवर भी किया है। एक साल का लास्ट अगर आप ग्राफ देखो तो ऑलमोस्ट 100 रुपये के भाव से लेके यहाँ 350-350 रुपये तक के भाव वहाँ हम देख चुके हैं। सो द स्टॉक हैज़ एक्चुअली गिवन यू 3 times रिटर्न, बट ये जो 300 का रेंज है, इस रेंज में स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक एक्सपोनेंशियल जंप नहीं करता है, इट ऑलवेज मूव्स, कंसोलिडेट्स फॉर सम टाइम एंड देन अगेन गोज फॉर अनदर जर्नी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेज के दौरान ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया है, एंड दैट इज़ व्हाई इट हैज़ सडनली क्रैश्ड। एंड ये जो क्रैश है ये केवल टाटा मोटर्स में ही नहीं हुआ है। अगर आप मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं आपको अशोक लेलैंड का शेयर दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रैंडम, देखिए एग्जैक्टली सेम ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। MNM शेयर प्राइस एग्जैक्टली सेम ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। आयशर मोटर्स, आप किसी भी मोटर्स के, इस पर तो काफ़ी हाई था दिन में, आप देखिए 2730 था, वहाँ से करेक्शन हुआ है। तो ऐसा कोई स्टॉक आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे ये करेक्शन नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये आपको पता है ना, एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहावत है, एंड दैट इज हाउ इट इज। प्रॉब्लम टाटा मोटर्स में ही हुआ है, प्रॉब्लम और किसी स्टॉक में नहीं है, लेकिन क्योंकि टाटा मोटर्स में ऐसा करेक्शन देखने को मिला है तो जो दूसरे ऑटो वाले सेक्टर्स के स्टॉक है उन्होंने भी अपना करेक्शन दिखाया है। ये क्यों हुआ है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा BSE के वेबसाइट पे। देखिए मैं BSE इंडिया के वेबसाइट पे हूँ। कल शाम को एग्जैक्टली जब ये करेक्शन हुआ उससे जस्ट 5 मिनट पहले एक सर्कुलर निकाला था टाटा मोटर्स ने। अब आपको अगर नहीं पता है तो आपको मैं आइडिया दे दूं, ये जो जैगुअर लैंड रोवर है, JLR जिसको हम बोलते हैं, जो कि यूरोपियन मार्केट में सबसे ज़्यादा ये बिजनेस करती है, उसमें जो टाटा है, टाटा का जो ओनरशिप है दैट इज़ 79%। सो 79% इज़ ए ह्यूज ओनरशिप। अगर 79% किसी कंपनी में आपका ओनरशिप है एंड दैट somehow उस पर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल सेगमेंट में, ओवरऑल कंपनी पर डेफिनेटली पड़ता है। एंड ये क्या है, उसके लिए आप देखिए, जस्ट एक छोटा सा लाइन है जिसके चलते इतना बड़ा पैनिक हुआ है। लुकिंग अहेड द चिप शॉर्टेज इज प्रेजेंटली वेरी डायनामिक एंड डिफिकल्ट टू फोरकास्ट बेस्ड ऑन रिजेंट इनपुट फ्रॉम सप्लायर्स वी नाउ एक्सपेक्ट चिप सप्लाई शॉर्टेज इन द सेकेंड क्वार्टर एंडेड सेप्टेम्बर 2021। तो यहाँ पे क्या है कि JLR अगर आप लास्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखो, उनका लास्ट रिजल्ट देखो, तो दे हैव एक्चुअली मेड ए गुड सेल्स, अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बनाया है, लेकिन उनका क्या है कि ये क्यों इलेक्ट्रिक बेस्ड या फिर सेमीकंडक्टर बेस्ड आप कह लो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कार में मैन्युफैक्चर में यूज़ होते हैं या फिर मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं। एक गाड़ी अगर बिक जाए उसके बाद ज़रूरी नहीं वो सही चल रहा है, इट गोज़ फॉर मेंटेनेंस, इट गोज़ फॉर वर्कशॉप रिपेयर्स, इट गोज़ फॉर रेगुलर सर्विसिंग एंड स्टफ्स, तब उस पर बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती है, राइट। फॉर दैट यू नीड स्पेयर पार्ट्स, एंड स्पेयर पार्ट्स में क्योंकि यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली ये आपको बता रही है कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ चिप्स, क्योंकि ओवरऑल कोविड है, लॉकडाउन है, तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वहाँ से सप्लाई टाइम पे नहीं आ रहे, तो उनका करंट क्वार्टर में तो शॉर्टेज था ही, एंड दे हैव एक्सपेक्टेड एंड दे हैव सेड दैट दे हैव स्पेक्यूलेटेड कि आने वाले क्वार्टर में भी उनको चिप सप्लाई कम आता हुआ दिखेगा, एंड दैट विल बी सेप्टेम्बर क्वार्टर। तो अब एक कंपनी अगर बता रही है कि आने वाले क्वार्टर में भी हमें पार्ट्स की कमी हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके सेल्स पे जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ, कोई भी आप टीवी खरीदने जाओ, अगर टीवी वाला कंपनी खुद बोले कि अगर आप में आपके टीवी में कुछ प्रॉब्लम निकल के आ जाए
तो हम तुरंत रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पार्ट्स नहीं है, 6 महीने बाद हम रिपेयर करेंगे। तो विल यू गो फॉर दैट प्रोडक्ट, आप क्या वो टीवी लोगे? ऑब्वियसली आप नहीं लोगे। तो वो सेम चीज़ देखने को मिला है क्योंकि उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन दिया है, लोगों के मन में ये चीज़ हो गया है कि जब स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है, जब गाड़ी फिक्स ही नहीं हो पाएगा, तब गाड़ी लेना क्यों है? तो दैट इज़ अ पैनिक। ऑब्वियसली रिजल्ट्स क्या है, कितने सेल्स हुए, इसका रिपोर्ट तो आपको 3 महीने बाद देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो न्यूज़ या फिर ये जो सर्कुलर कंपनी ने पब्लिश किया है उसके चलते यहाँ पे इतना बड़ा आपको करेक्शन देखने को मिला है। अदरवाइज आप देखो यहाँ पे इतना बढ़िया लास्ट पीरियड में इतना बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन होने के बाद में जनरली हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट होता है, या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ पैनिक। एंड ऊपर से अगर आप निफ्टी का वेटेज देखो, निफ्टी 50, तो आपको पता है निफ्टी जो इंडेक्स है वो टॉप 50 कंपनी मिलकर बनाती है, तो टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट 0.9% कह लो 1% तक का निफ्टी 50 में वेटेज है। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज टाटा का इतना वेटेज है एंड एक अच्छा खासा ये होल्डिंग रखता है निफ्टी में, दैट इज़ वाई अगर आप निफ्टी भी देखो तो निफ्टी का भी लास्ट एंड ऑफ डे जब वो रिजल्ट निकल के आया, जो न्यूज़ निकल के आया टाटा का, तो निफ्टी में भी आपको करेक्शन दिखाया था। ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट आप देखिए 15,900 के भाव पे था, वहाँ से 100 पॉइंट का करेक्शन विद इन नो टाइम, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 1 घंटे के अंदर में 100 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आ गया है। अभी आप ये पूछोगे, ये तो समझ में आ गया क्यों हुआ, क्या करेक्शन हुआ, अब आप पूछोगे आगे आपको करना क्या है। सो दोस्तों यहाँ पे सिंपल एक आपको मैं चीज़ ये बोलूँगा कि अगर आप RSI इंडेक्स देखो तो RSI इंडेक्स क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि इट्स 37 का मतलब क्या है कि कोई भी काउंटर अगर 40-45 से नीचे है, वी कंसिडर इट एज ओवरसोल्ड, एंड ओवरसोल्ड कोई भी काउंटर होता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन था, तो ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट के लिए तो रेडी था ही था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ यहाँ पे ये करेक्शन आ गया है। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि टाटा मोटर्स ने अभी इतना बढ़िया अपना एक सपोर्ट जोन बनाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सपोर्ट बहुत जल्दी ये तोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे आपको अगर पोजीशन नया बनाना है, ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये जो प्रीवियस हाई इसने लगाया था, आपको वेट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए ये हाई वापस ये रीच करता है कि नहीं, विच इज़ समवेयर अराउंड 350-360 जोन। आप ये जो हाई देख रहे हैं वो, अब ये हाई एक बार वो फिर से अगर टच करता है देन इट विल अगेन स्टार्ट इज अप मूव, एंड ये आपको 1-2 दिन में होता हुआ नहीं दिखेगा, ये आपको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो इसने 350-360 का जोन जहाँ से इसने ब्रेक डाउन लिया है, ये आने में उसको समय लगने वाला है, बिकॉज ये न्यूज़ अभी डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। अभी कल आपने कैश लोगों को सेलिंग करते हुए देखा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं उन्होंने भी अपना पोजीशन बनाया होगा, पुट बायर्स जो भी है वो उन्होंने अपना पोजीशन बनाया होगा, तो उनका भी पोजीशन कटेगा, तो ये सब जब सेटलमेंट होगा फ्यूचर्स में बहुत लोगों ने सेल किया होगा, तो यू विल डेफिनेटली सी सम मोर डाउन ट्रेंड। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आप नए तरह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अभी, तो आप थोड़ा सा वेट कर जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये और थोड़ा सा नीचे आपको मिल सकता है, अराउंड 300-290 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग में रखा हुआ, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, पैनिक करने वाली कोई बात नहीं। अगर आप होल्डिंग पर रख रहे हो, आप एनी वे यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसमें पैनिक सिचुएशन कुछ नहीं है, न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें हैं, ये न्यूज़ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, वापस लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे, वापस स्टॉक का मूवमेंट आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, रिटेल इन्वेस्टर ही पैनिक करते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो अपना स्टेक होल्डिंग एवरी डे नहीं सेल करते, आज उन्होंने पोजीशन बनाया, दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट नेक्स्ट डे, राइट, दे विल होल्ड इट। पीपल हु आर रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको ये साथ ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो लॉस होता है उसको बर्डन को ले नहीं पाते, एंड दे स्टार्ट सेलिंग इट, एंड कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप सेल करोगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा काउंटर पे प्रेशर बनेगा, तो इट्स बेटर है जैसा है उसको छोड़ दो, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने दो, वंस इट इज़ सेटल्ड आपको फिर से एंट्री एग्जिट दोनों का मौका मिलेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने अपना ट्विटर एंड टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ट्विटर टेलीग्राम को इसीलिए ज्वाइन करें क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट्स है, हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आई कीप शेयरिंग ऑन दोज टू, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही मैं कुछ कुछ शेयर्स जो ट्रेड लेता हूँ वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम में, तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल, आपको कोई भी टिप्स इजीली मिल जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेके। द रीज़न बीइंग आज 2 IPOs खुलने वाले हैं, एंड दोनों का Day 1 सब्सक्रिप्शन हो जाने के बाद में एंड ऑफ डे मैं अपलोड करूँगा वीडियो, आपको ये बताने के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया,
आपका ग्रे मार्केट क्या आया है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया कि नहीं, वो सारे इन्फॉर्मेशन लेके एंड ऑफ डे वो वीडियो लेके आएंगे. तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग डे. थैंक यू सो मच.